इस समय जो है जितना भी पैसा अगर आप मार्केट में उतारते हैं, एक तो सोच समझ कर उतारिएगा। दोनों धातुएं सोना और चांदी ये ऊपर जाएंगी, लेकिन अभी नहीं। इसको आप समझ लीजिए कि ये मार्च निकल जाए, जैसे ही अप्रैल आएगा, हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो मेडिकल लाइन के अगर शेयर्स आप ले सकते हैं तो लीजिएगा, उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। हॉस्पिटैलिटी के लिए ये समय बड़ा अच्छा है। 5-स्टार होटल्स वगैरह के अगर शेयर्स आप ले सकते हैं तो लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। अभी कोशिश कीजिएगा कि स्टील वगैरह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, उसकी बजाय आप जो है धातु वगैरह पे कर सकते हैं। प्लैनेट्स बदलते हैं, मौसम बदलता है और मार्केट बदल जाता है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, मैं आज आपसे जानना चाहता हूं जो हमारी मार्केट है हमारे देश की, और खासकर जो सेंसेक्स है और जो जहां पर लोग ट्रेडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो शेयर मार्केट है वो एक जगह स्थिर नहीं है, तो बहुत ज्यादा डाउन जा रही है या फिर ऊपर जा रही है। और जब से हिंडनबर्ग वाले केस के बाद में अडानी जी की मार्केट जो थी उनके जो शेयर थे वो नीचे आए, उसके बाद में मार्केट में जो लोग जो है ना पैसा लगाने से डर रहे हैं, लोगों को भ्रम बना रहता है। और ऐसी स्थिति में लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि आपसे मैं सवाल करूं और मार्केट के ऊपर पूछूं कि क्या हमें अभी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब तक जो है मार्केट डाउन रहेगी, कब इसका सही टाइम है, और क्या कुछ फिलहाल ग्रह कहते हैं सर। देखिए, ये काफी लंबी चौड़ी बातें हैं बिजनेस की, और खास करके जो भारतीय बाजार है, इंडियन मार्केट जो है, वो बहुत करवटें बदलती। मतलब मार्केट की भाषा में कहते हैं कि कभी उछाल आता है, कभी गिरावट आती है। और इसमें बड़ी मजेदार चीज है कि हमारे यहाँ शुरू से, मैंने पहले भी बहुत काम किया इस पे, अखबारों में हम लोग लिखते थे, जो हमारे यहाँ जैसे ही ऋतु बदलती, सीजन बदलता, अच्छा, वैसे ही मार्केट करवट ले जाती। अच्छा, बड़ा मार्केट मजेदार, मौसम से लेना देना है हमारे यहाँ पर, बिल्कुल मौसम का, और मौसम का प्लैनेट से लेना देना। प्लैनेट्स बदलते हैं, मौसम बदलता है और मार्केट बदल जाती। मतलब छोटी छोटी चीजें आपको पता ही नहीं चलेगा, 10 दिन के अंदर एकदम डबल हो जाए। आप नॉर्मल, मैं तो शेयर मार्केट पे आऊंगा अभी, आपको बताता हूँ कैसे चेंजेस आते हैं, किस तरह का है। लेकिन नॉर्मल आप देखते हो कि बैठे बैठे पता चलता है प्याज महंगा होना शुरू हो गया, दे धड़ाधड़ होता जा, फिर वो ठंडा पड़ता है तो टमाटर महंगा होना शुरू हो जाता। कहीं जो भारतीय बाजार से जुड़ा हुआ व्यापारी है वो बहुत ही, जो नॉर्मल शब्दों में बड़ा चालाक है, व्यापारी चालाक होते हैं लेकिन धूर्त नहीं होते ना, पर अगर धूर्त हो जाए वो तो और मुश्किल है। पता है यहाँ का, मैं कई बार एनालिसिस लेता हूं, मैंने बहुत इस पे पढ़ा भी, काम किया, कराते तो प्लेनेट है, क्योंकि वो व्यक्ति धूर्त है तो व्यापार भी तो धूर्तता से करेगा ना, उसका काम ही यही है। और जब से नई नई चीजें आई हैं, यहाँ का व्यापारी तो बड़े मजे ले रहा है अपनी, मतलब व्यापारियों का ये हाल है, कभी कभी हंसी आती है। दिल्ली में सदर बाजार, वहां हर साल आग लगती है, पक्का लगेगी, लकड़ी का, लकड़ी बाजार है, वो आग लगेगी क्योंकि इंश्योरेंस मिल जाता है। अच्छा, ये बड़े मतलब सिंपल, जानबूझ के किया जाता है, आप यही मान लो, और क्या, अपने आप हर साल लगेगी। आपका मोटरसाइकिल रोज एक ही जगह पे खराब होता है क्या? नहीं होता है ना, तो वो फिर जानबूझ कर, कि अगर आपको पता हो कि अगर ये खराब होगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो रोज खराब होगा वो वहीं पर। फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें, मार्च का महीना चल रहा है, मार्केट में लोगों को कब पैसा लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, ग्रह के हिसाब से बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे आपको। देखो, इसमें यह है कि इस समय जो है जितना भी पैसा अगर आप मार्केट में उतारते हैं, एक तो सोच समझ कर उतारिएगा। जैसे होता है ना, कई बार बहुत से लोग मैंने देखा है वो ब्लाइंड गेम खेलते हैं, नहीं नहीं खेल दो। मान लो जैसे छोटी सी बात है, सोने का आजकल काफी चल रहा है, तो सोना करवट ले रहा है एकदम से। या तो आप में उतना दम होना चाहिए कि, जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टिंग कैपेसिटी, कि आप उतना लगा सके। अगर कुछ लोग जो इस तरह से खेलने लगते हैं कि बस बेच देंगे, ले लेंगे, बेच देंगे, उनके लिए ये समय ठीक नहीं है। दूसरी तरफ प्लेनेट के हिसाब से अगर मुझसे पूछें
ये दोनों धातुएं सोना और चांदी ये ऊपर जाएंगी, लेकिन अभी नहीं। इसको आप समझ लीजिए कि ये मार्च निकल जाए, जैसे अप्रैल आएगा ना, अप्रैल में ये है, लेकिन मार्च के बाद आपको ट्रेंड, 14 मार्च से आ गया तो ये 14 अप्रैल के बाद आपको ट्रेंड नजर आएगा धीरे धीरे, बाकी वो ऊपर का ट्रेंड होगा। दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि सारे मुहूर्त वगैरह सारी चीजें खुल जाएंगी, वो एक एस्ट्रोलॉजी का नॉर्म्स है, शादियां हैं आजकल, क्योंकि अप्रैल में हमारे यहाँ नवरात्रे होते हैं, एक शुभ समय माना जाता है नवरात्रों में, जैसे प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, नवरात्रों में प्रॉपर्टी की सेल बढ़ती है, वो बढ़ती है, तो जो लोग उस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहें उनके लिए आने वाला समय अच्छा है। दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि इस समय सूर्य जो है 14 इसमें 13 अप्रैल तक वो मीन राशि में चल रहा है, तो मीन राशि के कारण बड़ी अस्थिरता बनी रहती है। जैसे अगर आप तालाब में देखते होंगे ना, घर में या एक्वेरियम में देखते हो, मछली कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, मछली कभी इधर घूमती है कभी उधर घूमती है, तो आज की डेट में हमारे यहाँ का व्यापार जो है ना, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, अस्थिर हो जाएगा। बाकी मेरी आप लोगों से सलाह है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पर्टिकुलरली जो होटल लाइन के शेयर है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, आजकल इतनी मार्केट हो गई, हर आदमी आईपीओ लेकर आ चुका है, हर आदमी शेयर मार्केट में उतरा हुआ है, जिसके पास भी पैसे आ गए उसने घर के 10 लोगों को डायरेक्टर बनाया और एक कंपनी लॉन्च कर दी। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो मेडिकल लाइन के अगर शेयर्स आप ले सकते हैं तो लीजिएगा, उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। हॉस्पिटैलिटी के लिए ये समय बड़ा अच्छा है। 5-स्टार होटल्स वगैरह के अगर शेयर्स आप ले सकते हैं तो लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। अभी कोशिश कीजिएगा कि स्टील वगैरह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, उसकी बजाय आप जो है धातु वगैरह पे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मानना है कि एनर्जी सेक्टर इस समय बहुत राइज करेगा, लेकिन उसमें एनर्जी सेक्टर का जो एक प्लेनेटरी मूवमेंट आगे आएगा, उसमें ये भी हो सकता है कि एनर्जी सेक्टर में कोई बहुत बड़ा घोटाला हो जाए, तो जरा अपना, जैसे होता है ना, डोंट कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, थोड़ा इधर उधर, एक ही वो जो होता है उसमें पूरे अंडे मत रखिएगा, उसको लगाइएगा उस तरह से। दूसरा ये है कि शिपिंग के अंदर अगर आपने कोई शिपिंग के शेयर्स आपको मिलते हैं, क्योंकि मीन राशि है जल की है, तो उसमें जरूर लगाइएगा, लेकिन आकाश के एरोप्लेन्स वगैरह में, जैसे एयरलाइंस वगैरह में पैसा मत लगाइएगा। गाड़ियों के अंदर आप लगा सकते हैं, मालूम मारुति वगैरह के शेयर जैसे ऊपर आ रहे हैं, या पर थोड़े दिनों में, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग फिर कहेंगे ये दूसरों के नाम लेते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां आ रही हैं, और वो कंपनी ऐसी कंपनी आ रही है आपको हैरान होगा, यहाँ की जितनी भी ये हैं आजकल, आप ओला उबर स्मार्ट ब्लू ये जो देख रहे हैं टैक्सी सर्विसिंग, ये सब खत्म हो जाएगी, एक ही कंपनी सब कुछ ले लेगी, पूरी तैयारी हो चुकी है, उन्होंने अपना जो काम करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले करीब करीब 3 साल से जो वर्चस्व है वो एक ही बिजनेसमैन का बढ़ता जा रहा है, एक मीन्स एक व्यक्ति का मैक्सिमम बिजनेस होता जा रहा है, और वो जो है वो उसमें कर रहे हैं, चाहे वो अब जहां उनको लगता है, तो उसने क्या कि छोटे छोटे जो स्टोर से मार्केटें खत्म हो रही हैं, छोटे बाजार वाले खत्म हो रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें खत्म हो रही हैं, अब आपको बड़े बड़े स्टोर मिलेंगे, तो उन स्टोर से जुड़े अगर शेयर है वो प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगे, उसमें लगाइएगा, आपको फायदा होगा। और एक बात याद रखिएगा कि ये उतार चढ़ाव सिर्फ थोड़े समय के लिए, उसके बाद भारतीय मार्केट जो है वो सुधरने वाली है, आपको लाभ होगा, लेकिन लाभ शेयर मार्केट में आपका होगा, परंतु ये है कि मार्केट के अंदर जो चीजें महंगाई बढ़ेगी वो लोगों को फेस करनी पड़ेगी, और जो है जितने भी खर्चे हैं, यानी इनकम के पैरेलल जो है आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो ये एक ट्रेंड आगे आने वाला है। प्लैनेट्स अपना काम करेंगे, आपके प्लैनेट्स आपका काम करेंगे, जिसके प्लैनेट्स अच्छे हैं उसको फायदा होगा, जिसके प्लैनेट्स गड़बड़ है उसको नुकसान होगा, सिंपल सी थ्योरी। तो सर, ये तो आपने एक तरह से, हमने अभी शॉर्ट में बात की है कि बड़ी कंपनियां जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है, लेकिन हम आगे इस प्रोग्राम में ब्रीफली एक्सप्लेन और सेक्टर वाइज भी बात किया करेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा तो अपने जो साथी हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, या किसी भी तरह के आप बिजनेस में हैं, तो इस प्रोग्राम को उन तक पहुंचाएं। और अगर आपको हमसे कोई बात करनी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो हम आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे।
तो ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी सर से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।